नमस्कार, योर मनी में आपका स्वागत है। मैं हूँ स्वाति। यूलिप कई नए बदलावों के साथ आपके सामने हाजिर है। यूलिप पर रेगुलेशन को लेकर सेबी से झगड़े के बाद आईआरडीए ने अब कई सारे ऐसे बदलाव किए हैं जिससे यूलिप पहले के मुकाबले ज्यादा इन्वेस्टर फ्रेंडली बन गया है, यानी उस पर लगने वाले चार्जेस काफी कम हो जाएंगे और रिटर्न भी पहले के मुकाबले बेहतर हो सकता है। लेकिन डायरेक्ट टैक्स कोड में यूलिप पर मिलने वाले टैक्स फायदे खत्म करने के प्रस्ताव से यूलिप के भविष्य पर एक सवालिया निशान भी लग गया है। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इसके बाद भी यूलिप ऐसा प्रोडक्ट बना रहेगा जिसमें निवेश फायदेमंद हो। हम यूलिप में बदलावों पर भी नजर डालेंगे, साथ ही ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि जिन्होंने पहले से यूलिप खरीद रखा है अब वो क्या करें। इस बदले हुए यूलिप पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे दो खास मेहमान, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एंड हेड प्रोडक्ट एंड स्ट्रेटेजी विनय अग्रवाला और रूंगटा सिक्योरिटीज के हर्षवर्धन रूंगटा। विनय, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे हम, आप अपने यूलिप पोर्टफोलियो में किस तरह के बदलाव कर रहे हैं, यूलिप प्रोडक्ट में किस तरह के चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं? प्रोडक्ट्स तो वैसे ही रहेंगे कि कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो लाइफ के लिए हैं, कुछ पेंशन के लिए हैं और कुछ चाइल्ड प्लान के लिए हैं। ज्यादातर चेंजेस जो होंगे वो होंगे लॉक इन पीरियड के लेके, क्योंकि अभी तक लॉक इन पीरियड 3 साल का था, अब 5 साल का हो गया है। वो इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा ही है क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग ज्यादा अच्छी होती है। दूसरा है कि जो मिनिमम सम अश्योर होता है वो बढ़ गया है, तो अगर आप 45 साल के कम उम्र के हैं तो आपको 10 टाइम कवर लेना पड़ेगा, उसके ऊपर है तो आपको 7 टाइम कवर लेना पड़ेगा। इससे आपकी जो प्रोटेक्शन एलिमेंट है वो काफी बढ़ जाती है। तो तीसरा जो होगा कि आपके जो चार्जेस हैं वो लेवल हो गए हैं, तो पहले 5 साल में चार्जेस लेवल रहेंगे, तो उससे भी कस्टमर को चार्जेस आराम से धीरे धीरे लगेंगे 5 सालों के ऊपर। तो ये मेन चेंजेस हैं और ओवरऑल कस्टमर के लिए वैल्यू प्रोपोजिशन काफी बढ़ गई है, बहुत प्रोटेक्शन और इन्वेस्टमेंट दोनों की तरह से। ऑलराइट, हर्ष, आप कैसे देखते हैं इन चेंजेस को? क्या लगता है ये ज्यादा, मतलब ये चेंजेस बहुत इम्पोर्टेंट थे, ये होने चाहिए थे और अब ये कल से 1 सितंबर से ये लागू हो रहे हैं? जी हाँ, अगर हम इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पहले है इन्वेस्टर ये देखता है कि जब मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ या निवेश कर रहा हूँ मुझे रिटर्न्स कितना मिल रहा है, दूसरा कि मुझे लाइफ कवर उसके साथ में जितना मिल रहा है, और तीसरा जब मैं विड्रॉ करता हूं, अगर मैं कोई कारण से मैं फुल टेन्योर तक नहीं इन्वेस्ट रह सकता हूं तो मुझे विड्रॉ करता हूं तो मुझे क्या चार्जेस लगते हैं। तो इन तीन जो एरियाज हैं, इन तीनों एरियाज को आईआरडीए ने अपने गाइडलाइन से रेक्टिफाई कर दिया है। तो इन निवेशकों के लिए जो एग्जिस्टिंग यूलिप पॉलिसीज हैं उसके कंपेरिजन में जो अभी नई यूलिप पॉलिसीज हैं वो डेफिनेटली मोर फायदेमंद है। कितने नए प्रोडक्ट लेकर आप आ रहे हैं? कल से हम बात करते हैं 1 सितंबर से, तो आईसीआईसीआई प्रू लाइफ के कितने नए यूलिप हम देखेंगे बाजार में? अभी तो हमारे पास 2 प्लस का अप्रूवल है, एक रेगुलर प्रीमियम और एक सिंगल प्रीमियम, बाकी तो फाइल की हुई है आईडिया के साथ, जिसे अप्रूवल आएंगे तो हम लॉन्च करेंगे नेक्स्ट 1-2 महीने में। ऑलराइट, तो फिलहाल के लिए हम 2 प्रोडक्ट देखेंगे इस नए यूलिप के फॉर्म में। हर्ष, आपने कहा कि ऑफ कोर्स ये इन्वेस्टर फ्रेंडली हो जाएगा, ज्यादा फायदेमंद होगा, अभी भी इस पूरे बदलाव के साथ यूलिप कितना एक फायदेमंद प्रोडक्ट होगा एक इन्वेस्टर के लिए? मतलब अगर हम ये पूछें डायरेक्टली कि ये नया फॉर्म क्या लोगों को यूलिप लेने के लिए और आकर्षित करेगा? देखिए, जो पहले के जो रेगुलेशंस थे उसके कंपैरिजन में यस बहुत कुछ हुआ है। पहले मैं आपको अगर मैं अपने स्पेसिफाई करें, एक है कि जो सरेंडर चार्जेस थे, हम पॉलिसी लेते हैं 10 साल की या 15 साल की, इस दौरान अगर कोई कारण से हम 6 या 7 साल बाद उसे सरेंडर करते हैं तो सरेंडर चार्ज जो लगता था वो सरेंडर चार्ज अभी कैप करके आईआरडीए ने 6,000 रुपीज तक कर दिया है मैक्सिमम, सो विच इज वेरी गुड। दूसरा है जो डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस यील्ड एंड नेट यील्ड था, इसे एक ग्रेडेड मैनर से जो पॉलिसी होल्डर लंबे अरसे तक पॉलिसी के साथ रहता है उसे वो जो नेट डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस यील्ड एंड नेट यील्ड है वो बहुत कम होते जाता है। शुरुआत करते हैं 5 साल से, अगर 5 ईयर से अगर पॉलिसी 5 ईयर्स प्रीमियम के भरने के बाद अगर वो सरेंडर करता है तो वो चार्ज को कैप कर दिया है 4% पे जी। तो इस तरह यू नो गोइंग फर्दर चार्जेस रिड्यूस होकर 2.25% पे आते हैं 15 ईयर्स के बाद। जो आपका सवाल था कि अभी ये चेंजेस होने के बाद क्या ये प्रोडक्ट अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, ये दिस टाइम विल से, जब इंश्योरेंस कंपनीज और स्पेसिफिकली अपने चार्जेस और प्रोडक्ट्स को लॉन्च करेंगे तब वो कंपैरिजन कर पाएंगे। बट हाउएवर, इसे हम अगर अपनी श्रेणी में कंपेयर करें तो पहले से बेटर है,
लेकिन कोई भी निवेशकों को हम यही सजेस्ट करेंगे कि वो जब इन्वेस्ट करें तो उसे कंपेरेबल दूसरे प्रोडक्ट से एक बार कंपेयर कर लें। ऑलराइट विनय, आपने कहा कि आपके पास दो प्रोडक्ट के अप्रूवल मिल चुके हैं आपको, क्या फीचर्स हैं अगर आप शेयर कर सके उन दोनों प्रोडक्ट के? जैसे मैंने पहले कहा कि एक रेगुलर प्रीमियम प्रोडक्ट है और एक सिंगल प्रीमियम प्रोडक्ट है। सिंगल प्रीमियम प्रोडक्ट तो काफी सीधा होता है, आप एक बार निवेश करते हैं और आपका पॉलिसी टर्म 10 साल का है जी। तो उसमें आपको फर्स्ट ईयर में एलोकेशन चार्ज होगा, उसके बाद पूरा पैसा आप जिस फंड में डालना चाहे, जैसे आपको अगर इक्विटी में इक्विटी डालेंगे, आपको डेट में डालना डेट में डालें, जो आप रेशियो चूज करेंगे आप वो रख सकते हैं। आपको शायद मालूम होगा कि यूलिप में एक और खासियत है कि आप स्विचेस कर सकते हैं जी। जैसे आप चार स्विच हम अलाउ करते हैं तो अनलाइक कुछ अदर कैटेगरीज में स्विच करना मुश्किल हो जाता है तो आपको निकलना पड़ता है, यहाँ पर हम चार स्विच अलाउ करते हैं इसी पॉलिसी में। तो आप रहेंगे तो जितना लंबा रहेंगे जैसे हर्ष ने कहा उतना ज्यादा फायदा है आपको, क्योंकि आपके जो रिटर्न है वो बढ़ते जाते हैं लॉन्ग टर्म में। जो रेगुलर प्रीमियम प्लान है वो 5 साल तक चार्जेस होते हैं, तो 5 साल तक चार्जेस जो है वो 9, 7, 7, 6, 6 है, बट उसके बाद से 3% चार्ज है। बट बहुत बड़ी बात यह है कि जो कस्टमर है उसके जो रिटर्न है वो 10 साल के बाद 3% कम होते हैं खाली जी। तो चार्ज नेट चार्ज खाली 3% ही है, और अगर 15 साल रहता है या 20 साल रहता है तो वो 2.25 जाता है। अच्छा। पर हमने जो प्रोडक्ट डिजाइन किया है वो हमने 3% में डिजाइन नहीं किया है। ओके। जो हमारे प्रोडक्ट में कोई रहता है 10 साल तो उसका जो रिटर्न होगा वो 2.25 से भी कम होगा। ओके। इवन 10 साल में। आपने सिंगल प्रीमियम प्रोडक्ट के बारे में जो बात की थी उसमें कितने हैं एलोकेशन चार्जेस? उसमें 5% है एक प्रीमियम तक, उसके बाद 4% है। ऑलराइट, हर्ष आपकी राय जानना चाहूंगी इस प्रोडक्ट के ऊपर, आपने चार्जेस के बारे में सुना, कुछ डिटेल्स हमारे पास है, कैसा साउंड कर रहा है ये प्रोडक्ट? मैंने कहा अपनी अपने आप में अपनी श्रेणी में यस इट इज अ गुड मूव। जो हम पहले 20% अपफ्रंट चार्ज देखते थे वो 9% पे आ गया है, सो दैट इज गुड। लेकिन आपको इसे अगर आप दूसरी श्रेणी के कोई इन्वेस्टमेंट से कंपेयर करते हैं जो एक आर्ग्यूमेंटेटिव पर्पस के लिए है, जो म्यूचुअल फंड है, अगर आप म्यूचुअल फंड से कंपेयर करते हैं तो एक बार जो आप अपफ्रंट जो देखते हैं वो यहाँ 9% चार्ज है, वहां 0 चार्ज है, मतलब अपफ्रंट चार्ज। तो इट इज लिटिल टू अर्ली, अगर थोड़ा हम फिर भी जल्दी कर रहे हैं इसको कंपेयर करने में जी। बाकी जो फाइनल डिटेल्स आएंगे, जो फंड मैनेजमेंट चार्ज हैं, जो बैक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस हैं, उनको जब हम कंपेयर करेंगे तो हम विल बी इन अ बेटर पोजीशन। ऑलराइट, अभिनय जो नए प्रोडक्ट हैं उनमें फोकस किस बात पर आपका ज्यादा है अभी, इंश्योरेंस पे या फिर इन्वेस्टमेंट पे? क्योंकि यूलिप नॉर्मली कॉम्बो हम मान के चलते हैं, तो आपका आपकी कंपनी का फोकस किस चीज पर है? हमारा मानना है कि यूलिप एक यूनिक कॉम्बिनेशन है जी, जिसमें इंडस्ट्री ट्राई करता है कि कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, कितना प्रोटेक्शन होना चाहिए। तो अभी मिनिमम 10 साल 10 गुना हो गया, पर इंडस्ट्री चाहे तो 20 गुना 30 गुना भी ले सकता है। तो हम वो फ्लेक्सिबिलिटी देना चाहते हैं, क्योंकि यूलिप की सबसे बड़ी खासियत यह है कि फ्लेक्सिबिलिटी है जी। और दूसरी ट्रांसपेरेंसी की, आपको मालूम है कितना चार्ज कट रहा है आपका रिस्क चार्ज पे। तो हमने जो एक कंपैरिजन किया था कि कैसे लोगों लगेगा अगर वो इन्वेस्ट करेंगे इसमें या टर्म प्लान में, तो हमने काफी कोशिश की है कि इन्वेस्टर अगर जो लॉन्ग टर्म होगा रहेगा उसके लिए ये प्रोडक्ट बहुत ही फायदेमंद रहे। अगर वो ज्यादा प्रोटेक्शन लेता है तो उसके लिए और भी ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि जो कवर चार्जेस हैं वो जो इनबिल्ट हैं वो काफी कम होते हैं।